नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पांडे आपका हस्तरेखा गुरु चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। देखिए, आप जो भी हैं जिज्ञासु हैं हस्तरेखा के या वैसे देख रहे हैं, बहुत से व्यक्तियों का यह प्रश्न होता है कि क्या हमारी पत्नी सरकारी नौकरी करेगी, सरकारी विभाग में रहेगी? क्या हमारी पत्नी सुंदर, अमीर या अच्छे आचार विचार वाली होगी? इस विषय पर प्रश्न होता है, तो इसी विषय के जरिए या इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो बना रहे हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें और समझें जो रेखाएं कहती हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति की विवाह रेखाओं से यह ज्ञान लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी पत्नी सरकारी विभाग में रहेगी या नहीं, या उसके आचार विचार अच्छे रहेंगे या नहीं, या वो धन युक्त रहेगी कि नहीं, वो आपके लिए भाग्यशाली है कि नहीं। ठीक है, तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति विशेष की हथेली आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ, जिसकी ये हथेली है, उनकी पत्नी खुद गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी नौकरी में है, और इसीलिए इस हथेली को मैं उपयुक्त समझता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। आइए बात करते हैं इनके विवाह, संपूर्ण विवाह रेखाओं पर चर्चा करेंगे और आपका ध्यान भी चाहूँगा मैं। ये होती है हमारे हथेली में विवाह रेखाएँ। यहाँ पर इस तरह से विवाह रेखाएं पाई जाती हैं। किसी किसी व्यक्ति के हथेली में एक, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में चार, इस तरह से पाई जाती हैं। विवाह रेखाएं हृदय रेखा के आसपास होती हैं। ये हमारी हृदय रेखा गई है, इसी के आसपास होती हैं, और इस पर्वत को बुद्ध पर्वत कहते हैं जहाँ पर ये रेखाएं पाई जाती हैं, जिसको मैंने राउंड घेरा लगाया है इस तरह से। बात हमारा ये है कि क्या आपकी पत्नी अच्छी होगी और सरकारी नौकरी करेगी। देखिए, पहले मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हथेली आपके समक्ष प्रस्तुत है, वह व्यक्ति की विवाह रेखा, जिसकी हथेली है उनकी विवाह रेखा को आप एनालाइज करें, इस रेखा को आप ध्यान से देखें, क्योंकि इसी रेखा के ज़रिए आपके पत्नी के सरकारी नौकरी में होने का अनुमान लगाया जा सकता है। जिस तरह से ये रेखा है बहुत अच्छी है और बहुत ख़ास भी है, वो मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, और सरकारी नौकरी की योग भी इसमें है। देखिए, जब किसी व्यक्ति की हथेली में जो विवाह रेखा है वह इस तरह से एकदम स्पष्ट हो, इस तरह से स्पष्ट हो और बड़ी हो, बहुत सुंदर दिखे, तो ये बात का इशारा है कि आपके जीवन में आपका विवाह आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। जैसे आपकी पत्नी सरकारी नौकरी कर सकती हैं, या मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब नहीं भी करती हैं, तब भी आचार विचार से बहुत अच्छी होंगी, किसी बढ़िया कला या किसी अच्छे मतलब गुण से नवाजी होंगी, कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि उनके अंदर कोई टैलेंट होगा जिसका बेनिफिट जीवन में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, वहाँ से धन लाभ आपको ज़रूर होगा, उनके उस गुण की वजह से आप बहुत खुशहाल रहने वाले हैं, अगर इस तरह से स्पष्ट विवाह रेखा हो। और दूसरी बात, अगर एक ही विवाह रेखा हो, जैसा कि आपकी हथेली में एक ही दिखा रहा है जिसकी हथेली है, तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा है। अभी मैं उसका कारण बता रहा हूँ क्यों है। तो ये पहली ही ज़रूरी बात है कि विवाह रेखा स्पष्ट, लंबी और सुंदर होनी चाहिए, तब आपकी पत्नी सरकारी विभाग में रहने के ज़्यादा चांस हैं, या नहीं भी मान लीजिए सरकारी में गए, तब भी व्यक्तिगत जीवन में आपके वो बहुत ही लाभ और बहुत ही फ़ायदा आपको दिलाएंगी, आचार विचार से भी बहुत अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। अब बहुत जो विशेष है जो मैं आपको समझा दूँ और बहुत ही सटीक से मैं बता दूँ कि ये जो मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जब भी किसी व्यक्ति के हथेली में तीन चार विवाह रेखा दिखे, ऐसे लाइन तीन चार दिखे, जैसे कि आपके हथेली में एक ही है लेकिन इसमें मान लीजिए जिस तरह से मैंने दिखाया, इस तरह से चार लाइनें, पांच लाइनें, तीन लाइनें दिखें, या दो ही लाइन दिखे, दिखे मतलब एक से अधिक लाइनें, तो समझ लीजिए झोल है। पहली बात, झोल क्या है कि एक से अधिक विवाह रेखा का होना व्यक्ति के लिए संकट की स्थिति है। संकट की स्थिति यहाँ से है कि उस व्यक्ति का किसी न किसी कारणवश किसी और महिला से संबंध होना, प्रेम होना जायज़ है, तय है। भैया, ऐसे लोगों को मैं एक ही सलाह दूंगा कि अपने विचारों पर और अपने अंदर के जो भी प्रेम भाव, इमोशनल चीज़ें हैं, उन्हें कंट्रोल करें, भावुकता को अपने वश में करें,
और किसी पत्नी के होते हुए किसी दूसरे के प्यार में ना फंसने की कोशिश करें, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँ, क्योंकि 2-3 विवाह रेखा, 4 विवाह रेखा होने पर व्यक्ति के विवाह होने के बाद भी या विवाह होने से पहले भी, जब तक आपका विवाह हुआ भी नहीं है तब तक एक से अधिक प्रेम संबंध बनते हैं, शर्तियाँ हैं, तय हैं, ये बात आप जान लीजिए। वहाँ पर थोड़ा सा हृदय रेखा भी देखा जाता है, लेकिन बहुत देखने की हृदय रेखा ज़रूरत नहीं है। अगर विवाह रेखा एक से अधिक है तो आपको संभल जाने की मैं चेतावनी देता हूँ, नहीं तो विवाह आपके लिए, चाहे जैसा विवाह हो, चाहे सरकारी नौकरी वाली विवाह हो, चाहे साधारण विवाह हो, लेकिन खतरा आपके लिए बनेगा। आपके जो चारित्रिक पक्ष है, जो आपका चरित्र है या जो आपका व्यवहार है, उसके कारण आप अपने आदतों पर नहीं अगर कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए जीवन में संकट आ रहा है। विवाह अगर एक से अधिक विवाह रेखाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका किसी और से प्रेम होने का ये खतरा बना रहेगा और कोई ना कोई लाइफ में एंटर मारेगा। आप सुधरे रहेंगे तो कोई ना कोई आपको ही आकर्षित करके प्रेम कर बैठेगा। तो ये बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है, मैं समझ रहा हूँ आपके मन की जिज्ञासा, कि अगर हमारे हाथ में कई रेखाएं विवाह हो और उनमें से एक रेखा बहुत अच्छी ऐसी हो, तो क्या हमारी नौकरी या हमारी पत्नी नौकरी करेगी, या फिर हम जिससे विवाह कर रहे हैं वो बहुत धन धान्य युक्त होगी या आपके लिए फ़ायदेमंद होगी? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है अगर आपके दिमाग में है कि एक से अधिक रेखाएं होने पर क्या ऐसी स्थिति संभव है। बिल्कुल संभव है। किसी व्यक्ति के जीवन में भले ही 3-4 रेखाएं हों, लेकिन इसमें भी संभव है कि आपका विवाह जिससे हो वो काफ़ी अच्छी हो, विचारों से भी, और नौकरी युक्त भी हो सकती हैं या आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं। उसके लिए शर्त यह है कि जिस समय पर व्यक्ति का विवाह, वह रेखा है, मान लीजिए आपके हथेली में कोई बड़ी रेखा यहाँ है, किसी के हथेली में कोई बड़ी रेखा यहाँ होगी विवाह वाली, तो उस पर्टिकुलर समय पर, यानी जिस वर्ष में वह विवाह रेखा बना है, उसी वर्ष में अगर आपका विवाह होगा तभी यह संभव है। जैसे देखें, इस व्यक्ति की हथेली में अगर ध्यान दिया जाए, जो भी हैं आप, तो यहाँ पर ये जो विवाह रेखा है ये तकरीबन आपकी 27 से 28 वर्ष का समय है, इसी वर्ष में विवाह इनका हुआ होगा, तभी यह पत्नी अच्छी या गवर्नमेंट जॉब वाली मिलेगी। ऐसे ही अगर आपके हथेली में, मान लीजिए आपके हथेली में यहाँ छोटी छोटी रेखाएं हैं, बहुत लोगों में ऐसा होगा, फिर बीच में एक बड़ी है, तो बीच वाली बड़ी जो होगी वो 27-28 वर्ष का समय ऐसे होगा जब, तो उसमें आप विवाह करेंगे तो ऐसा आपके लिए संभव है। फिर मान लीजिए उसके बाद बड़ी है इस पोर के आसपास, तो 30 वर्ष के बाद आपका विवाह ऐसा संभव है। तो अब मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि कब जाने आपका विवाह किस उम्र में होगा, उस वीडियो को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। और वहाँ पर बड़ी रेखा देख लें कि आपके किस वर्ष में, आपकी उम्र से किस वर्ष में बड़ी रेखा आपके हथेली में है, ठीक, वहाँ आप समझ जाएंगे। तो ऐसे ही बड़ी रेखा, अब मैं समझा भी देता हूँ थोड़ा सा आपको। जैसे ये जो लाइन है पूरी ये है, और यहाँ पर तकरीबन 25 वर्ष का समय है, और इसके बाद वाला 26-27 है ये, जो जिसमें इनका विवाह हुआ 27 के आसपास से, फिर ये 30 है, तो ऐसे ही ये पूरा 50 माना जाता है, इस पूरे को 50 वर्ष मानते हैं, और इसी का आधा कर लीजिए, लगभग यहाँ आधा आएगा, तो ये 25 वर्ष के बाद, यानी इनका विवाह 25 वर्ष के बाद ही हुआ है, तो ऐसे ही आधा कर लीजिए, तो ये आधा समय 25 वर्ष, इसके बाद वाला अनुमान लगा लीजिए कितना होगा, ठीक, ये मैं बताना चाहूँगा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की हथेली में, देखिए बोर ना हो आप लोग, बोर होते हो तो लाइक कर दें पहले वीडियो, अगर कहीं बोरिंग फील हो रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं 2 लाइन ये भी बोल देता हूँ बीच में तो बोरिंग ना फील करें पहली बात। ये देखें, अगर किसी की हथेली में छोटी छोटी रेखा हो, ऐसे मान लीजिए आपका विवाह 25 वर्ष के अंदर होगा, क्योंकि ये जो छोटी छोटी रेखाएँ हृदय रेखा के आसपास होती हैं वो 25 वर्ष के पहले ही आपका विवाह करा देती हैं। ये बात पुरुष और महिला दोनों के लिए लागू होगी, महिला है तो पुरुष और पुरुष है तो महिला, दोनों के लिए लागू होगी। तो मान लीजिए आपका विवाह 25 वर्ष के अंदर हो गया, अगर ये छोटी छोटी रेखाएँ आपके हथेली में हैं, और उसके बाद कोई बड़ी रेखा आपके हथेली में है, तो ऐसा संभव भैया कि आपको प्रेम किसी सरकारी विभाग में करते हुए लड़की से हो जाए, या वही लड़की आपको प्रेम कर बैठे, या मान लीजिए सरकारी में नहीं भी है तब भी उसका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड या आपको वहाँ से लाभ होने वाला है प्रेम से। लेकिन ऐसे लोगों का मैं एक ही संकेत करूँगा, जिनके हथेली में कई विवाह रेखाएँ हैं, वो अपने आदत पर, अपने कैरेक्टर पर थोड़ा अपने आप में काबू पाने की कोशिश करें, अपने प्रेमी भावना पर, अपने भावुक स्वभाव पर, अपने अट्रैक्शन पर, इन सब पर थोड़ा काबू पाएँ। देखिए, ये तो बात हो गई सरकारी नौकरी युक्त पत्नी की।
जरूरी नहीं है। देखिए मैं तो कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा टॉपिक है, विवाह रेखा से ही ऐसा देखा जाता है कि आप सरकारी नौकरी आपकी पत्नी करेगी कि नहीं, लेकिन लेकिन एक अच्छा जानकार या ज्योतिषी हथेली की सारी रेखाओं को देखता है कि कहाँ से बेनिफिट हो रहा है। तो मान लीजिए आपका भाग्य रेखा भी थोड़ा सा देखा जाता है कि हथेली में भाग्य रेखा जो यहाँ पर होती है वो कैसी है। जब भी किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा अच्छी हो तो समझ लेना चाहिए, भाग्य रेखा अच्छी हो और विवाह रेखा अच्छी हो तो व्यक्ति का विवाह बिल्कुल अच्छा होगा, बिल्कुल ही वहाँ से फायदा होने वाला है, चाहे नौकरी भी पत्नी मिल जाए चाहे कोई और फायदा हो जाए। विवाह रेखा के साथ साथ भाग्य रेखा भी देखा जाता है, लेकिन उसमें से विवाह रेखा का होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो भाग्य होके भी कुछ नहीं करेगा अगर विवाह रेखा खराब होगी। मतलब इस रेखा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जानकारी मैं आप लोगों को साझा कर रहा हूँ और वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है इसलिए पूरा सारी चीज़ों को समझाना उतना पॉसिबल नहीं है जितना होता है मेरे से, मैं एफर्ट करता हूँ। और प्लीज़ मेरे प्रोत्साहन को आगे ले जाएं, लाइक करें वीडियो और कुछ भी कमेंट आप करके पूछ सकते हैं। देखो मेरे को टाइम होगा तो मैं रिप्लाई करूँगा। और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।